क्या है वहां पर एक रहस्य कार्य सुरंग। ये है चूहीमल जी की समाधि। हुकुमचंद के द्वारा उनकी समाधि को एक बहुत बड़ी कलाकृति में बदल दिया। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जिस चित्रकारिता का प्रयोग किया गया है, कुछ उसी प्रकार की चित्रकारिता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका कॉर्नर पॉइंट छज्जे का ये वाला दिख रहा, कई जगह से ये डैमेज भी हो चुका है। हम लोगों ने अपने बड़ों से अपने इतिहास को सुना होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन यदि वही इतिहास हमारी नजरों के सामने आ जाए तो शायद हम लोगों की वो मनोकामना पूरी हो जाती है जो हम बचपन से उस चीज के बारे में सोच रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से हरियाणा के सबसे दक्षिणी भाग मेवात में आ पहुंचा हूं और यहां पर आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे सेठ चूहीमल की छतरी को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उसके बेटे ने अपने पिता की याद में इस कलाकृति को यहाँ पे बनाया था। यदि आप लोग मेरे पीछे की तरफ ये पूरा व्यू देख पा रहे हैं, बाहरी इसका जो रूप है, इसके चारों कॉर्नर पर इस प्रकार की छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, और सेंटर वाले हिस्से में बहुत सुंदर कलाकृति के साथ में एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित एक छतरी बनाई गई है, जिसके बाहरी हिस्से में हम लोगों को महीन नकाशी दिखाई दे रही है और इसके ऊपर वाले हिस्से में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चार कॉर्नर पर छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं और इसके बीच वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा हेमिस्फेरिकल गुंबद बना है जिसके टॉप पॉइंट पर एक बहुत सुंदर नकाशी की गई है जो अपने आप में उस समय की कलाकृति को सीधे तौर पर पेश कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने एक ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो आज तक आप लोगों की नज़रों से बहुत दूर था। तो चलिए हम करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू और इसका अंदर जाने का रास्ता वहाँ से बनता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर आने पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पत्थर की बहुत बारीक नकाशी दिखेगी। इस पूरी वॉल को आप देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सुंदर कलाकृति की गई है और नीचे की तरफ डबल शेड के पिलर भी यहाँ पे बनाए गए हैं। यदि हम बात करते हैं इसकी इस फॉर्मेशन को बनाने की, तो ऐसा लगभग कहा जाता है कि लगभग 250-300 साल पुरानी इस इमारत को यहाँ पे बनवाया गया था अपने पिता की याद में, उस बेटे के द्वारा। और अभी अंदर की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे इन सभी चीज़ों को क्या क्या हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि हम अपने प्राचीन समय की उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिस समय हमारे भारत में हुआ करते थे सेठ, और इनका नाम सेठ इसलिए होता था क्योंकि इनके पास में उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में धनराशि हुआ करती थी। और उन्हीं सेठ में से एक सेठ मेवात नू के रहने वाले, जिनका नाम था चूहीमल, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी मानवीय क्रियाओं के लिए भी और अपने बड़े दिल के लिए भी। ऐसा बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे हुकुमचंद के द्वारा उनकी समाधि को एक बहुत बड़ी कलाकृति में बदल दिया। दोस्तों, अंदर आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ का कुछ ऐसा व्यू दिखेगा जो कि वर्तमान समय में लेप करके बनाया गया है। ये सारे का सारा ऐसा बाद में लिपाई किया गया है ताकि इसको थोड़ा सा मजबूती दी जा सके, लेकिन ये ऊपर का जो ये हिस्सा है ये प्राचीन समय का, ये पहले से ही ऐसा बना हुआ था। ये यहाँ पर यदि हम आकर देखते हैं तो ये है उन सेठ की समाधि और इसी समाधि के ऊपर ये पूरे का पूरा हिस्सा बनाया गया है। मैं आपको इसके आसपास का पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ। चूहीमल जी की समाधि और इस समाधि का हिस्सा यदि हम देखते हैं, यहाँ वाले हिस्से में हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़ा सुंदर मेहराब बनाया गया है। ये मेहराब इसके बिल्कुल चारों तरफ बनाया गया है। इधर भी यदि हम देखते हैं तो इधर भी ये कलाकृति हम लोगों को देखने को मिलेगी। सेंटर पॉइंट बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इसको किसी भी दिशा से देखते तो चारों तरफ से इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसी कैसी ही दिखाई देती है।
और इस छतरी को चारों तरफ से देखने पर हम लोगों को एक स्क्वायर यानी कि वर्गाकार आकृति दिखाई देगी और इसकी जो आकृति है वो चारों तरफ से बिल्कुल सेम बनाई गई है। सेंटर पॉइंट में उस समाधि को बनाया गया है और चारों तरफ इसी प्रकार की आकृति हम लोगों को देखने को मिलेगी। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ जहां पर हम लोगों को एक ऐसी कलाकृति और एक ऐसा अद्भुत तथ्य दिखाई देगा जो यहाँ के लोग भी उसको देख कर बड़े ही अचंभित हो जाते हैं तरफ और वहां से इनकी बहुत बारीक चीजों को देखेंगे कि क्या क्या और यहाँ पे देखना बाकी है। यहाँ पर ये सीढ़ियों में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे वो पहाड़ी पत्थर हैं जो यहाँ पर अरावली पर्वत से काट कर लाए गए थे और ये रेड स्टोन है लाल पत्थर जिससे इस पूरी इमारत को बनाया गया है, इसको सुंदरता दी गई है। हमारे भारत के शिल्पकार जो बहुत बारीक नक्काशी करने में अपनी महानता प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं कारीगरों के द्वारा इस जगह को बनवाया गया था। यदि हम लोग इसके इस ऊपर वाले भाग को देखते हैं तो हमें ये पूरी की पूरी जगह कलाकृति के साथ में बहुत सुंदर चित्रकारिता से भरी हुई दिखाई देगी। यदि हम यहाँ पर इन वॉल्स को देखते हैं तो आप इस वॉल को देखेंगे और सीधे तौर पर आप इस बारीक नकाशी को किस तरीके से पत्थर को काटा गया था किस तरीके से यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन देख सकते हैं फूल पत्ती का और ये नीचे वाले जो ये राउंड शेप दी गई है और सामने की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो पूरे के पूरे जो महीन नकाशी आपको दिखेगी वो कारीगरी को सीधे तौर पर शो कर रही है। दोस्तों ये वाली कलाकृति हमारे भारत के कारीगरों के पास में बहुत पहले से ही है, उनको अपने पूर्वजों से मिली है। ऐसा कहा जाता है कि जब चूहीमल जी का देहांत हुआ था तो उनके बेटे ने इस जगह को उनकी याद में बनवाया था और इसी के साथ में कहा जाता है कि यहाँ पर जो कारीगरी है वो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में उन गुफाओं में जिस चित्रकारिता का प्रयोग किया गया है कुछ उसी प्रकार की चित्रकारिता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए हम अब इसके पूरे ऊपर का व्यू देखते हैं बहुत बारीक तरीके से। यहाँ पर चारों कॉर्नर पर इस प्रकार की ये छतरियाँ बनी हुई हैं चारों इसके कॉर्नर्स पे और यहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो लाइट येलो स्टोन है और इसी स्टोन की मदद से ये पूरे का पूरा जो जगह है उसको बनाया गया था। यदि हम इस पे बारीक नकाशी को देखते हैं तो सामने दीवार पर आप देखिए ये कितने बारीक तरीके से नकाशी की गई थी और ऊपर की दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने सुंदर तरीके से इस पूरी की पूरी जगह को बनाया गया था। ये पूरे का पूरा जो शेप है ये स्क्वायर फॉर्मेशन में बना हुआ है और इसके चारों तरफ इसी प्रकार की नकाशी की गई है। इस दीवार पे आप नकाशी देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको तराशा गया है और आप इस कलाकृति को देखिए ऊपर का जो हिस्सा है आप लोगों को जो कॉर्नर पे ये दिखाई दे रहे हैं जिसकी मदद से इनको रोका गया है ये कितने सुंदर हैं ये और नीचे की तरफ भी देखिए आप ये कितनी ज़्यादा अच्छी नकाशी का एक नमूना यहाँ पे हमें पेश हो रहा है। चारों तरफ से देखने पर ये जो है इस प्रकार की दिखाई देती है ये इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है और किसी भी तरफ से आप जाएंगे तो आपको सेम ऐसा दिखाई देगा। नीचे आप इन दीवारों पे देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की कलाकृति ये देखिए उस समय जैसा माहौल था वातावरण था जो हकीकत थी उस समय की जिन देवी देवताओं को वो लोग माना करते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे जैसे राजा महाराजा जाया करते थे दूसरी जगह पर वो सारी की सारी कलाकृति आज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा इसका गजब का एक नमूना पेश हुआ है। सेठ चूहीमल का जो बेटा था हुकुमचंद वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और ऐसा बताया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि जब
सेठ चूही मल की मृत्यु हुई तो इस चीज का सबसे ज्यादा दुख उनके बेटे हुकुमचंद को हुआ था। तो उन्होंने ऐसा सोचा, क्यों ना अपने पिता के नाम की कुछ ऐसी चीज बनवाई जाए जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस जगह को देखने के लिए आते हैं। और मैं यहाँ की सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इस जगह को एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि ये चीज़ भी हरियाणा की शान को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। इसी के साथ में यदि हम इस पीछे की तरफ देखते हैं तो ये इसकी जो छतरी है ऊपर की तरफ से बिल्कुल काली पड़ चुकी है, और नीचे जो ये लाइट येलो स्टोन इसमें इस्तेमाल किया गया है उसकी कलाकृति आपको दिखी रही है। इसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 8 पिलर दिखाई देंगे, जिन पिलर के ऊपर इस पूरी छतरी को रोका गया है, स्टेबल किया गया है। और इन सभी के सभी पिलर पे आप इस बारीक महीन नकाशी को देख सकते हैं, इन कार्विंग्स को देख सकते हैं, और यहाँ पे कॉर्नर फूल बने हुए हैं। यदि हम इसके अंदर का व्यू थोड़ा देखते हैं तो ये हमें एक ऑक्टागनल शेप दिखाई देगा, और ऑक्टागनल शेप के साथ साथ में ही इसकी चारों तरफ दीवारों को बहुत अच्छे तरीके से तराशा जाता था, जो कि उस समय का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख स्टाइल हुआ करता था। यहाँ पर छज्जों पे इन लोगों ने ये रेड रंग के स्टोन का इस्तेमाल किया है। ये छज्जा है बिल्कुल इसका, कॉर्नर पॉइंट है छज्जे का, ये वाला दिख रहा, कई जगह से ये डैमेज भी हो चुका है। और ऐसा बताया भी जाता है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि इसको और लंबे समय तक देखा जा सके। तो अभी एक बार हम अंदर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे किस तरीके की हम लोगों को नक्काशी देखने को और भी मिलती है। यहाँ पर इन दीवारों को आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तराशा गया था। ये जो डिज़ाइन बनाए जाते थे ये सारे के सारे हस्तकला का एक बहुत अच्छा नमूना है। वर्तमान समय में भी ऐसी कलाकृति बनाना बहुत मुश्किल काम महसूस होता है। एक ही पत्थर से इस पिलर का डिज़ाइन देना, आप उस समय की कलाकृति को देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा वो लोग दिया करते थे। यहाँ से हम लोगों को इसका अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। ये इसका अंदर का व्यू हम लोग देखेंगे। जब हम अंदर की इन दीवारों को देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर नीचे वाले भाग में तो डबल शेड के पिलर और इन दीवारों पे जालीनुमा आकृति की ये चित्रकारिता दिखाई देगी। और इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से की, तो ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के उस समय के देवी देवता, उस समय के लोग किस तरीके से एक्टिविटी में संलग्न रहते थे, वो यहाँ पे हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये सामने की तरफ, और सबसे ज़्यादा सुंदर बनता है इसका ऊपर का ये वाला मेहरा। ये आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से इसको तराशा गया था, और यहाँ पर इसके ऊपर भी बहुत बारीक नकाशी, पट्टीदार नकाशी की गई है इन दीवारों पे, जो कि इसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा रौनकदार बना रहा है। ऐसा बताया जाता है जो सेठ चूहीमल थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, जिसकी वजह से उनको आज भी गांव के लोगों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से याद रखा जाता है। और उनकी पीढ़ी के जो सातवें वंशज हैं जिनका नाम है श्री पिल्लू, उनके द्वारा बताया गया कि इसी जगह के पास में एक तालाब भी है, और वो तालाब इनके बेटे के द्वारा अपने पिता की याद में कच्चे से पक्का करवाया गया था। तो दोस्तों, क्या है उस तालाब का इतिहास और क्या है वहाँ पर एक रहस्यकारी सुरंग, इस चीज़ को हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे और पता लगाएंगे कि वो सुरंग और उस तालाब की क्या क्या ऐसी जानकारियाँ हैं जो अभी तक हम लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर थी।